गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। अब हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। आज पहले हमने हिंदी फर्स्ट में तीन लेसन किए थे। पहला पार्ट था एक बूंद कविता, दूसरा पार्ट था तेनालीराम की होशियारी कहानी, तीसरा पार्ट था पीपल का पेड़ पौराणिक कथा यानी पुरानी कहानी। आज हम हिंदी सेकंड मोहक हिंदी व्याकरण में पाठ एक पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। क्या नाम है पाठ का? भाषा और व्याकरण। प्रतिदिन हम तरह तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे मोटर गाड़ियों के चलने की ध्वनि, घंटी बजने की ध्वनि, हवाई जहाज आदि चलने की ध्वनि। हम अपने मुँह से भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है। भाषा के द्वारा ही हम सभी बोल कर या लिख कर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। बच्चों, थर्ड क्लास में भी पढ़ा है हमने, फर्स्ट में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है ना भाषा। जिस साधन से हम अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहले हम मौखिक भाषा समझते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, या उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे इस चित्र में नेताजी बोल रहे हैं, नेता एक बोल रहे हैं, लोग सुनकर उनके विचारों को समझ रहे हैं। इस चित्र में दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। सुनते हो ना आप नानी और दादी से, और बच्चे सुनकर कहानी के भाव समझ रहे हैं। अब है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखा या पढ़ा जाए लिखित भाषा कहलाती है। जैसे ऋतु पत्र लिख रही है और मनोज अखबार पढ़ रहा है। ये लिख रही है लड़की और ये पढ़ रहा है। ऋतु पत्र लिख रही है और मनोज अखबार पढ़ रहा है। दोनों ही चित्रों में भाषा का प्रयोग लिखने अथवा पढ़ने में किया जा रहा है। भाषा के इन दोनों माध्यमों के अतिरिक्त संकेतों के द्वारा, बच्चों इशारे के द्वारा भी भाव प्रकट करने का, संकेत इशारा है, संकेतों के द्वारा भी भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोता है, गूंगे व्यक्ति संकेतों द्वारा ही अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। अतः इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहा जाता है। हिंदी भाषा में के सांकेतिक रूप को महत्व नहीं दिया गया है। ये कोई प्रकार नहीं है, इशारा करके बुला लिया, संकेत करके बुला लिया, कुछ मांग लिया, ले लिया, दे दिया। अब है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा बदलती रहती है। जैसे आपको पूछा जाए आपने वर्क क्यों नहीं किया, हम कहीं गए थे, हम नानी के थे, हम शादी में गए थे, मतलब हर बात पलटते रहते हो हर बार, तो मौखिक बोलने में हर बार बदलती रहती है, जबकि लिखित भाषा नहीं बदलती। इसी गुण के कारण प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है। इसलिए मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का अधिक महत्व है। अब है बोली। बोली किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जगह अलग स्थान पर विशेष में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है। जैसे मारवाड़ी,
भोजपुरी, हरियाणवी आदि ये सभी बोलियाँ हैं। हम अपने मन के भाव बचपन से जिस भाषा में बोलना और समझना सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। घर में जो बच्चा सीखता है ना, अपने घर में कोई भी भाषा हो, मारवाड़ी है, इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर पंजाबी है, जो भी कुछ है, उर्दू है, कोई भी भाषा जो बोलता है वह मातृभाषा होती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों का की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे यूरोप के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जापान के जापानी, चीन के चीनी भाषा बोलते हैं। हमारा देश एक विशाल देश है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती और पढ़ी जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? नेशनल लैंग्वेज। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। ध्यान दो बच्चों, कौन से राज्य की कौन सी भाषा है? कश्मीर में कौन सी भाषा है? कश्मीरी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है भाषा। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। अब है असम में असमिया भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं। केरल में मलयालम बोली जाती है। बंगाल में बंगला या बांग्ला भाषा बोली जाती है। एक ही बात है, बंगला या बांग्ला। विश्व के अधिकतर देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और समझी जाती है। अब है लिपि। बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इनके द्वारा सभी भाषाएं अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्यान देना फिर से, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कुछ भाषाएं भिन्न होने पर भी उनकी लिपि एक है। जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि देवनागरी है। ये जैसे संस्कृत में हिंदी के वर्ण आते हैं और मराठी में भी और हिंदी में भी। संस्कृत, हिंदी और मराठी तीनों की लिपि है देवनागरी। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। जैसे उर्दू या अरबी लिपि, फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन। उर्दू या अरबी की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी तथा बंगला या बांग्ला की लिपि बंगाली है। ध्यान देना इसमें, अलग अलग अभी प्रश्न भी आएगा तब पता चलेगा आपको। उर्दू या अरबी की लिपि फारसी होती है, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है तथा बंगला या बांग्ला की लिपि बंगाली है। संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि देवनागरी है। अब है व्याकरण। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें भाषा के संबंध में नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना आता है। किसी भी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। ये परिभाषा है व्याकरण की। आओ दोहराएं।
जिस साधन से हम अपने विचारों या भावों को बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। अब बच्चों हम अभ्यास करेंगे। पेंसिल और बुक लेकर बैठनी है। अब तो पूरा महीना हो गया है, बुक खरीद ली होगी सबने। अब तो सबके पास पेंसिल और बुक होनी चाहिए, उसमें आपको निशान लगाने, बाद में लिख लेना। प्रश्न एक है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पत्र लेखन भाषा का खाली स्थान लिखित रूप है। क्या लिखेंगे आप? लिखित लिख के अंडरलाइन। भाषा के दो रूप, पहला आप लिखेंगे मौखिक, दूसरा लिखेंगे लिखित। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा पे लगाओ टिक, राष्ट्रभाषा लिख लेना इसमें। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। पहले वाले में लिखित आएगा, दूसरे में दोनों आएंगे लेकिन पहले मौखिक फिर लिखित, तीसरे में राष्ट्रभाषा, तीसरे चौथे में आएगा बोली, पांचवे में लिपि। अब प्रश्न नंबर दो देखिए, पीछे से आप देखकर भी लिख सकते हैं। राज्यों के नाम दिए हैं, अब उनकी भाषा का नाम लिखना है। निम्नलिखित राज्यों की भाषा लिखिए। असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती। तीसरा प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब हमें क्या करना है, इसमें मिलान करने, सही लिपियों, भाषाओं और लिपियों के सही जोड़े मिलाइए। लिपियां दी हैं, पहले देवनागरी की कौन सी है भाषा? मराठी। उर्दू की फारसी। जोड़े मिला लो, देवनागरी मराठी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, बंगला बंगाली। मिलाए जोड़े। अब सही गलत करना है हमें। सही वाक्यों के आगे सही, गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। बिल्कुल सही, सही है ये। बातचीत भाषा का लिखित रूप है। गलत। उड़ीसा में पंजाबी बोली जाती है। गलत। अंग्रेजी विश्व के अधिकांश देशों में बोली और समझे जाने वाली भाषा है। ये आई थी ना लाइन, ये सही है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। ध्वनियों का तो प्रयोग होता ही है। सही। अब अगला देखिए, प्रश्न पाँच, नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाता है? दिए गए उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। टेलीफोन दिया है बच्चों, तो टेलीफोन पर तो बोलकर सुनकर करते हैं ना अपन, भाषा तो मौखिक भाषा। ये पत्र है, इसमें आप लिखेंगे लिखित भाषा। टाइपराइटर है ये, इसमें भी जब कोई पेज लगाकर और हाथ से चिन्ह करते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप है, लिखित भाषा। अगला है टीवी। टीवी देखते हैं, मौखिक भाषा। और लैपटॉप वगैरह है, उस पर हम लिखित में ही करते हैं, तो ये भी लिखित भाषा है। टीवी मौखिक भाषा, लैपटॉप जो है लिखित भाषा। अब है स्पीकर, ये है भाषा का मौखिक रूप। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर छः, भाषा
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न अपने आप लिखने हैं आपको सारे। प्रश्न नंबर 6 ही लिखने को दूंगी, 6 वाला मैं दूंगी आपको। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन से हम अपने विचारों या भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ख मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? मौखिक भाषा बदलती रहती है जबकि लिखित भाषा नहीं बदलती। इसी गुण के कारण प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है, इसलिए मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का महत्व अधिक है। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? गय वाला प्रश्न, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर लिख कर दूंगी। 6ठा प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में करना है, और आपको इसके अलावा सुलेख बुक में पेज नंबर 3 से लेकर 11 तक एक दिन में एक पेज लिखना है। सुलेख में मैं इसलिए दे रही हूँ वर्क ताकि बच्चों आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे, अभ्यास होता रहे तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं लिखने को दे रही हूँ। पेज एक दिन में एक लिखना है सुलेख में, एक साथ नहीं करना है कि कचरा करके रख दो बिल्कुल। ओके।